तो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपनी किचन ममता की रसोई में। तो आज मैं ये मलाई है और गाय का है, मैंने इसे 10 दिन तक इकट्ठा करके रखा था, जो दूध होता है उसके ऊपर वाली मलाई। और इसे हम अच्छे से फेटेंगे, देखिए इस तरह से फेटने के बाद हो जाएगा। तो इसे हम लगातार 5-7 मिनट तक फेट लेंगे, जब तक ये अच्छे से एक साथ में एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा ना होने लगे। और थोड़ा सा बर्फ़ हो आपके पास तो बर्फ़ भी डाल दीजिए, नहीं तो यदि ठंडा वाला पानी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा वाला पानी डालने से इस तरह से देखिए बन जाएगा। अभी मैं ठंडा पानी डाल के दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे बर्फ़ डाला है। ठंडे के महीने में तो अपने आप अच्छे से निकल जाता है, पर गर्मियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यदि आप फ्रिज में रखते हैं तो कुछ ज़रूरत नहीं है ठंडा पानी का और ना ही बर्फ़ का। तो देखिए इस तरह से फेट लेंगे हम बढ़िया से, इस तरह से हम मिलाएंगे और जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाएगा और उसके पानी अलग हो जाएंगे, मक्खन ऊपर आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से करने से हम दूध की मलाई से घी निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से मक्खन ऊपर हो गया है और पानी नीचे हो गया है इस तरह से। अब हम हाथों से इसे निकाल लेंगे, बढ़िया तरह से करते हुए हम सभी मक्खन को निकाल लेंगे। ये मक्खन हम पराठे में लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, पाव भाजी में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा मक्खन निकाल लेना है हमें, इस तरह से उछालेंगे हम ना तो इसमें से पानी एकदम से निकल जाएगा, थोड़ा भी पानी नहीं आएगा इसके साथ। अब देखिए नीचे की छाछ बच गई है, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे कढ़ी बनाने के यूज में ले सकते हैं। तो इससे कढ़ी अच्छा बन जाता है और ताज़ा फ्रेश मलाई का हो तो हम इसे पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसे अब पकाऊंगी, घी निकालूंगी। तो इस तरह से का हम गैस पे रखेंगे, अब धीरे धीरे पिघलने लगा है घी, आप देख सकते हैं किस तरह से। आपको जाना नहीं है कहीं, बीच बीच में चलाते रहना है, या तो आप कुछ कर रहे हो तो एकदम मीडियम आंच पे रखे, नहीं तो ये उबाल आने लगेगा एकदम दूध के जैसे, इसमें उबाल आता है बहुत तेज़ी से, बाद में नहीं आएगा लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा उबाल ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से चलाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो पतले तले की कढ़ाई बर्तन होगा तो उसमें चिपकेगा। अब बीच बीच में चलाते हुए पकाना है हमें। अब उबाल आने के बाद इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हमें बार बार चलाते रहना है नहीं तो ये तले में लग जाएगा कढ़ाई के। अभी थोड़े देर बाद इसके ऊपर से घी दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आंच को एकदम मीडियम पे रखा है, अब स्लो स्लो घी ऊपर आने लगा है। आप देखिए घी कितना ऊपर आ गया है। अब जो इसके अंदर का हम इसे जो आप बोलते हो, हमारे यहाँ तो इसमें मठे बहुत जगह, इसमें खुरचन खरीव बहुत से नाम से बोलते हैं, तो आप जिस नाम से बोलते हो। आप देखिए जब अच्छे तरह से उबाल आने लगे और ऊपर झाग झाग सा दिखने लगे तो समझ जाए कि घी बन के तैयार है। यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ मैं, इसे थोड़ा सा चला लूँगी, उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए घी एकदम बढ़िया से पक के तैयार हो गया है, इसी तरह से पका लेना है। और जब झाग दिखने लगे तो समझ जाइए कि घी अब पक गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी टाइम। अब देखिए ठंडा हो गया है और घी ऊपर हो गया है और इसके नीचे का जो हम खुरचन बोलते हैं वो रह गया है। अब मैं घी निकाल लूँगी, छान लूँगी बढ़िया से, और उसके बाद मैं बताऊँगी इस खुरचन को फेंकने से अच्छा है आप जो बोलते हो मठे
उसको फेंकने से अच्छा है कि देखिए घी भी निकल गया है, और इसे हम क्या करते हैं कहीं कहीं खाते हैं, नहीं तो रखा रखा बाद में हम फेंक देते हैं। देखिए इसका अब हम बनाएंगे मिठाई, लेकिन पहले हम इसे निकाल लेंगे, पूरा निकाल लेना है हमें। मैंने इसका अच्छे से सब घी निकाल लिया है, इसमें थोड़ा भी घी नहीं बचा है, और एकदम ये एकदम सूखा हो गया है। अब कढ़ाई में भी न तो घी डालूंगी और ना ही मठेव, अब मैं डालूंगी एक कटोरी भर के बेसन। अब इसे मैं भूनूंगी, देखिए इसमें पलटे में भी घी लगा है, उसे भी मैं निकाल देती हूँ। अब मैं भून लूँगी इसे, थोड़ी देर भूनूंगी जब तक ये अच्छे से कलर ना चेंज कर दे इस बेसन का। अब इस तरह से चलाते हुए हमें इसे 3-4 मिनट तक भूनना है, जैसे इसमें खुशबू आने लगे सौंधेपन की, फिर उसके बाद हम डालेंगे। अब थोड़ी देर हमें इसे बढ़िया तरह से चारों तरफ से मिक्स करके चलाते हुए भून लेना है। अब मैंने 2-3 मिनट लगातार भून लिया है, तो इसमें मैं सूजी डालूंगी 2 चम्मच। सूजी डालने से दानेदार लड्डू बन के तैयार होता है। अब सूजी इसके साथ भूनूंगी, और जो मैंने निकाल के रखा था घी के तले वाला, उसे भी मैंने डाल दिया है इसमें। बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने बनाया घर में, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। तो आप यदि नहीं बनाते हो तो एक बार बना के ट्राई करना। अब देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है, मतलब बढ़िया तरह से भून गया है बेसन। आप इसमें चाहे तो इसमें पीसी हुई चीनी डालिए, और नहीं तो खड़ा चीनी भी डाल सकते हैं बारीक वाला। थोड़ी देर भूनेंगे हम ना तो वो गल जाएगा। ये काजू बादाम मैंने पीस के रखा था डब्बे में, उसको भी मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया। इससे टेस्ट ही बढ़ेगा, अच्छा भी रहेगा। काजू बादाम को भी डाल के मैं थोड़ा भूनूंगी। इस तरह से आप चीनी भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े चीनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए दानेदार एकदम बढ़िया से बन गया है, और भून भी गया अच्छे से। तो आप देखिए इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनता है, एक साथ में 2 काम हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आप स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो आज करना। तो आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा, मतलब जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था ना, उसी कटोरी का छोटा भाग मैंने कटोरी लिया है, उससे मैंने 1/3 भाग चीनी डाला है, मतलब बेसन का 1/3 भाग चीनी डाला है मैंने। आप अपने हिसाब से मीठा कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा ही चीनी डाला। अब भून गया है, सबसे मेन होता है बेसन अच्छी तरह से भून जाना चाहिए। तो थोड़ी देर पे हर एक चीज़ मिलाते हुए उसे भी भूनते हुए हमने पकाया है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा चीनी मैं और डालूँ, 1 चम्मच से करीब मैंने चीनी और डाल दिया है। अब इसे 2-3 मिनट तक मैं चलाऊंगी, जैसे चीनी भी बढ़िया से मेल्ट हो जाए। बेसन गर्म है तो चीनी बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। देखिए चीनी मेल्ट होने लगा है थोड़ा थोड़ा, जब तक ठंडा होगा ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे कि बहुत से लोग होते हैं तो उसमें बहुत सारा घी डाल देते हैं, तो उससे भी बाइंडिंग बन जाती है, या तो ये चीनी की चाशनी कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगी, ये दूध है थोड़ा थोड़ा मैं डाल के इससे करूँगी और उसे पकाती जाऊँगी, जिससे साथ में दूध ही पक जाए। और गैस भी हमारा जल रहा है, एकदम स्लो आँच पर है, तो गैस को बंद नहीं करना है, और इससे अच्छे से मिक्स करना है। इसके साथ चीनी भी गल जाएगा और बढ़िया से लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा सा ही दूध डाला है, कितने अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब एक दो चम्मच दूध और डाल दूंगी मैं, दो चम्मच के करीब। अब इसे भी मैं पका लूंगी। अब बस इतना ही दूध मैं डालूंगी, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। अब इसे जब तक हम चलाते रहेंगे ये बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा चलाना पड़ेगा इसके लिए और साथ में दूध भी पक जाएगा। इसे हम 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। अब इसमें मैंने जो घी का डाला है, वो घी के तले वाला, वो भी इसमें दानेदार टेस्ट देगा। अब लड्डू जैसा बनने लगा है तो मैं थोड़ी देर चला के उतार लूँगी, गैस बंद कर दिया है मैंने। अब इसे हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर। अभी गर्म है तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। तो देखिए ठंडा हो गया है थोड़ा थोड़ा। 5-7 मिनट के बाद मैंने, यदि इसे प्लेट में निकाला होता तो जल्दी ठंडा हो जाता, तो मैंने इसी कढ़ाई में रहने दिया था। अब ये लगभग लगभग हाथ से पकड़ने जैसा बन गया है, तो ज़्यादा ठंडा करेंगे तो बांधने में दिक्कत आएगा। देखिए इस तरह से लड्डू बना लेंगे। अब इसी तरह मैं पूरे लड्डुओं को बना लूँगी। लड्डू बन के तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर वालों के साथ। मैं ऐसी ही रेसिपीज लेके आती रहूँगी। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस तरह से मैं सभी लड्डुओं को बना लूँगी। देखिए सभी लड्डू बना के मैंने तैयार कर लिया है। आप देखिए अंदर इसके कितने अच्छे दानेदार लड्डू बन के तैयार हैं।